नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज हमारे साथ खड़ी है TVS जुपिटर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसे आप TVS जुपिटर का फेसलिफ्ट वेरिएंट बोल सकते हो, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये टॉप ऑफ द लाइन है। डिस्क स्मार्ट एक्स कनेक्ट। एक इससे नीचे आपको टॉप वेरिएंट और मिल जाता है, वो मिलेगा ड्रम स्मार्ट एक्स कनेक्ट। फ़र्क आएगा डिस्क का और ड्रम का, उसमें डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। 88,450 एक्स शोरूम प्राइस आएंगे इसके हरियाणा फैजाबाद के अंदर। वहीं ऑन रोड की बात करूँ तो 1,05,000 समथिंग आपको ऑन रोड पड़ेगा, 1,05,500 के आसपास ऑन रोड पड़ेगा। ये प्राइजेस मैंने आपको हरियाणा के बताएं, हरियाणा फैजाबाद के। बाकी स्टेट वाइज ऑन रोड प्राइस वेरी करते हैं, एक्स शोरूम मोस्टली एक मिल जाते हैं हमें। न्यू स्कूटर है, कुछ अपडेशन हुई है फेस लिफ्ट के साथ। इसमें काफ़ी चीज़ें नई दी गई हैं, जैसे इंजन नया दिया गया, 113 cc का इंजन दिया गया है। कुछ जैसा आप देख रहे होंगे कनेक्टेड DRS दिए गए हैं। इसी में आपको इंडिकेटर भी दिखाऊंगा किस तरह से वर्क करेगा। बाकी पहले आप देख लीजिए स्कूटर को चारों तरफ से। इसमें 168 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 168 mm का, और 1250 mm का व्हील बेस दिया गया है। अब फ्रंट में आ जाते हैं, यहाँ तो LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। मैं इसे एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस तरीके से, एक सेकेंड, तो यहाँ से आप देखेंगे पूरा हेडलैम्प सेटअप दिया गया। DRL और हेडलैम्प सेटअप अलग दिया गया, DRL से नीचे और हेडलैम्प ऊपर दिए गए। LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया। इसे वापस से कर देते हैं बंद। ये आपको यहाँ पे TVS की बैजिंग मिलेगी नंबर प्लेट की जगह, यहाँ DRLs मिल जाते हैं इस जगह पे। DRLs में यहीं आपका इंडिकेटर वर्क करेगा। जैसे मैं इसे इंडिकेटर ऑन करूँगा इस तरीके से इंडिकेटर वर्क करेंगे, और इंडिकेटर मुड़ने के 5 से 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इसे आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर के साथ यहीं आपको हज़ार लाइट मिल जाती है। ये देखिए ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑन करने का तरीका थोड़ा अलग है, इस तरह से हज़ार लाइट इसकी वर्क करेंगे। देखिए चारों इंडिकेटर हो चुके हैं, जैसे इसे हज़ार लाइट बोलते हैं। ये DRLs हो गए। अच्छा, ये पार्ट जैसे इसका थोड़ा आपको फाइबर में मिलेगा, ये इसका मेटल में दिया गया है। जो बोनट है, मडगार्ड है फ्रंट, ये बोनट उसमें मेटल में दिया गया। फ्रंट डिस्क दिए गए हैं 220 mm का। इसमें हमें डिस्क का डायमेंशन मिलेगा, कोई ABS वगैरह तो नहीं मिलता, बट डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। 90-90-12 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट और रियर दोनों ही 90-90-12 का टायर साइज दिया गया, और दोनों ही डिस्क उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। चाहे आप ड्रम में लो, ड्रम स्मार्ट एक्स कनेक्ट लो, या डिस्क स्मार्ट एक्स कनेक्ट लो, दोनों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप पूरा इसका फ्रंट देख सकते हैं। अब आ जाते हैं वहीं साइड प्रोफाइल पे। यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब बैलून लगे हुए हैं बीच में साइड में, यहाँ थोड़ा चेंजेस हुआ है। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ से हटा के यहाँ फ्यूल टैंक शिफ्ट कर दिया। 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, और फिलअप पॉइंट यहाँ पे इस जगह पे है। ये पुश करने से खुल जाएगा, बट जब स्टार्ट होगी उस टाइम पे खुलेगा। यहाँ से आप फिलअप पॉइंट दिया गया। वेट हैंग करने के लिए यहाँ जगह दी गई है। इसमें आप मैक्सिमम 3 किलो तक वेट हैंग कर सकते हो, या इसमें थोड़ा जगह दी गई है, मोबाइल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, USB टाइप ए चार्जिंग पॉइंट है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ आगे भी आप इसमें सिलेंडर वगैरह तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, बट ये है कि सामान वगैरह थोड़ा कैरी कर सकते हैं। वहीं इस साइड आएंगे, यहाँ जुपिटर की बैजिंग है, TVS की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे आपका पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट दिया हुआ, डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड दोनों दिए गए हैं। रियर ड्रम ब्रेक्स हैं 90-90-12 सेम, बिल्कुल वही, मतलब सेम टायर साइज दिया गया है। बाकी रियर ड्रम ब्रेक्स है, नंबर प्लेट की जगह पूरा। यहाँ भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, LED टेल लैम्प, हेडलैम्प बोल गया मैं, LED टेल लैम्प सेटअप मिलेगा इस जगह पर। TVS की बैजिंग है ऊपर, और ये पार्ट ब्लैक दिया हुआ हैंडल के साथ। पहले मैं इसकी हज़ार लाइट बंद कर दूँ, अभी आपको दिखाऊंगा कि हज़ार लाइट ऑन किस तरीके से होती है। तो ये आपका पूरा कनेक्टेड यहाँ पे LED रियर टेल लैम्प सेटअप दिया गया। यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट पाइप दिया गया है, इधर भी जुपिटर की बैजिंग है। ऊपर आएंगे मीटर पे तो यहाँ आपको डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है पूरी इसकी। ये देखिए यहाँ इकोनॉमिक रियल टाइम इकोनॉमिक कुछ लिखा रहा है इस पर, मतलब इको पे चला सकते हो, वो तो जुपिटर में स्टार्टिंग से मिलता हमें, ऊपर टाइम है। यहाँ इको पे किलोमीटर्स वगैरह, यहाँ पेट्रोल गेज है, और इस जगह पे इसके सेटिंग्स दी हुई हैं।
ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह देख सकते हैं आप, ऑडियो एवरेज इकोनॉमिक देख सकते हैं इसमें यहाँ से, और ये टाइम वगैरह सेट करने के लिए दिया गया। अच्छा, इसमें हमें ब्लूटूथ भी शायद मिल जाता है, वो दिखाता हूँ मैं भी आपको कनेक्ट करके। बाकी पासिंग के लिए यहाँ लाइट दिए हुए हैं, बटन दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर के लिए है। अच्छा, इसे आप जैसे टर्न करना है तो राइट में दोगे तो यहाँ सिंगल आपका इस तरह से इंडिकेटर वर्क करेगा फ्रंट में और रियर में। अगर आप इसे वहीं प्रेस करके रखते हैं 2-3-4 सेकंड के लिए तो ये देखिए यहाँ आपका हज़ार लाइट ऑन हो जाएगा। अगर आप इसे बीच में प्रेस करके रखेंगे 3-4 सेकंड के लिए और यही वापस से करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये हॉर्न है यहाँ आपका स्टार्ट करने के लिए, और ये वॉइस कमांड के लिए भी बटन दिया हुआ है। अगर हम इसे इस तरह से प्रेस करके रखते हैं तो ये वॉइस कमांड के ये काम करेगा, जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है उसके लिए यहाँ पे काम करेगा, बट ये प्रेस करके रखना पड़ेगा हमें इस तरीके से। और ये शायद स्कूटी ऑन होने पे ही काम करेगा क्योंकि अभी ये ऑन नहीं कर रहा। ये आपका आइडल ऑन ऑफ भी इसके अंदर दिया गया। अच्छा, सीट अगर आपको खोलनी है तो ये चाबी इस तरह से घुमानी होगी और सीट आपकी खुल जाएगी। वापस से मैं बैठा हुआ था ना सीट पर, ये सीट खुल जाएगी। 33 लीटर का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है सीट के नीचे, ठीक है। टोटल 33 लीटर का स्पेस दिया गया सीट के नीचे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हेलमेट वगैरह कैरी कर सकते हो आप अपना, और टूल्स वगैरह की जगह यहाँ दी गई है ऊपर, और इसे कर देते हैं वापस से बंद। बाकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी इसके अंदर हमें मिल जाती है। वैसे मैं बताया 113 cc का इसमें अपडेशन हो चुकी है इंजन में। फ्यूल टैंक वहाँ पहले इसमें थोड़ा हमें 5.5 लीटर का मिलता था, अब वही फ्यूल टैंक आपको 5.1 लीटर में कर दिया गया। और यहाँ भी थोड़ा आप देख रहे होंगे अब पास होने के लिए यहाँ भी थोड़ी जगह वगैरह दी हुई है। बाकी अब आ गए बाइक TVS जुपिटर के फ्रंट पे। तो भाई ये था TVS जुपिटर न्यू 113 cc का, 113 cc का स्पेसिफिकेशंस। कैसी लगी आपको, कैसे इसके फीचर्स लगे वो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।